हेलो। तो भाई राम राम सभी को। भाई कई हो गए, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन से कॉलेज में हो और वहाँ के कॉलेज वगैरह क्या सिस्टम है और कौन कौन से कोर्सेज में हो। तो भाई मैं पहले भी वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन पहले यार मतलब सितंबर इनटेक में वैसे ही इतनी भीड़ वगैरह हो गई है। तो आज मेरा एक छोटा सा टेस्ट था कॉलेज में, तो आज हम दे के फ्री हो गया। तो आज कैंपस ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि वीकेंड है, सारे या तो कहीं ना कहीं बाहर होंगे, कईयों के काम होते हैं, या कहीं ना कहीं मतलब यूजुअली इंजॉय करते हैं वीकेंड्स को। तो आज मैं बताता हूँ मेरा कौन सा कॉलेज है, कितना बड़ा कैंपस है, और मैं कौन से प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ, और किस किस के लिए कॉलेज बढ़िया है, और प्रोज एंड कॉन्स सारे बताऊँगा जो मेरे को पहले नहीं पता थे, और कैसे कैसे यहाँ पर सारा सिस्टम काम करता है। तो भाई यहाँ से होती है हमारे कॉलेज की अपनी एंट्री शुरू। ये यहाँ पे रंग बिरंगी सी इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी हैं। ये यहाँ पे अपना बेंच वगैरह बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए बना रखे हैं। आज तो काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, पर अभी थोड़े टाइम में भाई फॉल सीज़न ऑलमोस्ट अब मिड में आ गया। अब थोड़े टाइम में, बस एक महीने में यहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। मतलब ठंड यहाँ वैंकूवर में तो मेनली बारिश ही रहती है। तो भाई यहाँ पे ये गार्डन एरिया, मतलब यहाँ पे ना ग्रीनरी तो बहुत है। तो ये है भाई मेरा कॉलेज, ये यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है, ये है ए बिल्डिंग। मतलब पूरा साइट मैप यहाँ पे, कैंपस साइट मैप यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ना अलग अलग बिल्डिंग्स बना रखी हैं अलग अलग पर्पस के लिए। यहाँ पे बीच में वही खाली ग्राउंड है, वहाँ पे वो टी बिल्डिंग है, मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब जैसे अपना कैंपस साइट है ना, तो यहाँ पे ये जो ए बिल्डिंग है, तो भाई ए बिल्डिंग में अपना मेनली है कंटिन्यूइंग स्टडीज़ का एरिया, और हमारा टिम वगैरह है, टिम हॉर्टन्स, मतलब यूजुअली जो कैफेटेरिया काइंड ऑफ हो गया, लंगारा की ग्लोबल टीम इसमें है पूरी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक बिल्डिंग एस है, ये है स्टूडेंट यूनियन के लिए, और ये सी टावर है वो अपना जहाँ पे नर्सिंग वगैरह का सारा चलता है। एक जिमनेजियम है, एक डे केयर है, तो मतलब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग बिल्डिंग है। तो हर एक चीज़ के लिए ना अलग अलग स्पेसिफिकली यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये पूरा कैंपस का ऐसे मैप। तो भी अब चलते हैं अंदर, और अंदर से जाके देखते हैं कि भाई कॉलेज कैसा गया है, और इंडिया के जो कॉलेजेस हैं और यहाँ के जो कॉलेजेस हैं एक्चुअली में मतलब कितना डिफरेंस आता है और क्या कुछ फ़र्क है फैसिलिटीज़ वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी। तो ये अपनी ए बिल्डिंग की स्टार्टिंग है। यहाँ पे आज हमारा एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे ये बैंक्स, बैंक का वो है एक्चुअली RBIC के साथ इनका टाइप है। तो यहाँ पे जिनको भी बच्चों को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो यहाँ सॉर्ट की जाती है। जो कंटिन्यूइंग स्टडीज़ कोई भी अपना प्री रिक्वा साइट का पेपर वगैरह बुक कराना हो वो यहाँ हो जाता। और ये मेन अपना हॉलवे अंदर से, और यहाँ ये इन्होंने फिल्म आर्ट्स का जो प्रोग्राम होता है उसकी थोड़ी बहुत वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करी हुई है। मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे यही है हमारे यहाँ पे सिस्टम काम करता। तो ये है भाई, यहाँ पे लंगारा ग्लोबल की सारी टीम बैठती है, किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ है लिफ्ट से, इसके ऊपर ए बिल्डिंग के ऊपर सारी क्लासरूम्स हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे है वॉलंटियर सेक्शन, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो लंगारा कॉलेज में स्टडी करते हैं अगर उनका मन होता है तो वो खुद ही वॉलंटियर करते हैं, कॉलेज की टीम में एज अ काम करते हैं और यहाँ पे असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे रूम्स हैं, वहाँ वॉशरूम्स आ गए, और ये है भाई मेन कैफेटेरिया हमारे कॉलेज का, ब्यूटीफुल, जहाँ बैठ के पूरी मस्ती और पूरा भरा रहता भाई। आज तो वीकेंड है इसलिए पूरा खाली पड़ा है। ये है टिम हॉर्टन्स, जहाँ पे वही मतलब जैसे कैंटीन वगैरह नहीं होती, तो कैंटीन वगैरह की जगह यहाँ है टिम हॉर्टन्स। यहाँ है कि एज ए इंडियन मतलब वो फूड अवेलेबल कराने ये रसोई है, लेकिन बहुत बेकार खाना है यहाँ का, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। यहाँ पे एक ये अंदर है, यहाँ पे मतलब वहाँ कुक होता है, अगर खुद की चॉइस से खाना लेना तो खुद की चॉइस से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा कैफेटेरिया इतना बड़ा, आराम से बैठो खाओ पियो जो मर्जी करना करो। यहाँ पे बच्चे गेम्स भी खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, और यहाँ लगाए हुए हैं माइक्रोवेव्स, मतलब कोई जैसे लंच वगैरह लेके आता है ना
तो जैसे ठंडे वगैरह हो जाता तो यहाँ रख के गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप पूरे के पूरे यहाँ सेटिंग एरिया, पीछे बी बिल्डिंग आ जाती है वो ऊपर कंप्यूटर्स और वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, ये पूरा का पूरा ही यहाँ पे सेटिंग एरिया जो भी आज खाली पड़ा हुआ। ये जो सामने है, सामने ये LSU की बिल्डिंग, लंगारा स्टूडेंट यूनियन की, और यहाँ पीछे खाली पार्क है, और यहाँ इसी के पीछे वहाँ डे केयर है। तो भाई वो थी अपनी ए बिल्डिंग का एंड, जहाँ से विंडो से बाहर का व्यू दिख रहा था। ये यहाँ से पीछे कनेक्ट होती है बी बिल्डिंग, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट वालों के लिए, और यहाँ पे ये पीछे पार्क बना रखा है, यहाँ बैठने की जगह दे रखी है। ये है लंगारा स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग। ये यहाँ पे मतलब बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो भी अपना स्टूडेंट यूनियन होती है या जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जो इनके ऑफिसेस वगैरह और रेस्ट एरिया वगैरह होते हैं ना, और यहाँ पे फूड बार और स्टूडेंट्स की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इस बिल्डिंग में होती हैं। तो भाई वैसे तो स्टूडेंट यूनियन बंद करी हुई है, पर ये ऐसा अंदर का व्यू है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सोफे पे लेटो, खाओ पियो जो मर्जी करो, और ऊपर इनके ऑफिस हैं, जो कोई भी डाउट वगैरह हो तो वहाँ अपने कमेटी में चल जाओ, और यहीं पे इलेक्शंस वगैरह के जितने भी है वो सारे फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, और यहीं अंदर फूड बार है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज तो बंद कर रखी है, लेकिन मैंने बाहर से तो दिखा दी, तो ये फूड बार। अब चलते हैं यहाँ से, ये कॉलेज की है बैक साइड है, अब यहाँ से बैक साइड से चलते हैं पीछे जी बिल्डिंग में, वहाँ जी बिल्डिंग कनेक्ट हो जाती है। अब जी बिल्डिंग देखते हैं खुली है कि नहीं, और बाकी ऐसा कुछ डे केयर है यहाँ पे सारे, मतलब बच्चों के खिलौने वगैरह और प्ले वे पार्क सा स्कूल सा ऐसा बनाया हुआ। तो भाई अब जो बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ ना, वो है बिल्डिंग जी, जहाँ पे जिमनेजियम और मतलब बेसिकली और जिमनेजियम से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। तो जो उनसा मेरा कोर्स है ना काइनेसियोलॉजी, जिसमें बोन्स, फिजियोडायनेमिक और बायोलॉजी से रिलेटेड वगैरह जो भी स्टडीज़ होती हैं, तो वो मोस्टली मेरी सारी इसी बिल्डिंग में लगती हैं क्लासेस। मैं अभी अंदर ही जाता हूँ आपको, जिमनेजियम वगैरह भी ये देखो, ये यहाँ एंटर हो गए। अब भाई इस बिल्डिंग में हो तेरी मेरे ख्याल से तो कोई मैच चल रहा, तो भाई अंदर तो जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन भाई ये ऐसे जिमनेजियम है, यहाँ पे बच्चे अपना स्पोर्ट्स वगैरह कोई इवेंट चल रहा मेरे ख्याल से, कि नहीं बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है, अभी कोई इवेंट वगैरह आ रहा होगा। तो ये जिमनेजियम है, यहाँ पे बेसिकली मेरी काइनेसियोलॉजी की लैब्स वगैरह लगती हैं। तो ये बेसमेंट है, तो यहाँ पे तो ये नीचे वॉशरूम्स वगैरह बना रखे हैं, और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स रूम है जहाँ वो बंदा खड़ा, वहाँ स्पोर्ट्स रूम है अपना, कभी भी फ्री वगैरह होता है मंडे और वेंसडे बेसिकली फ्री होती है जिम, और उस टाइम अगर कुछ भी अगर हमें खेलने के लिए लेना है, जैसे बैडमिंटन होगी, बास्केटबॉल होगी, तो ये स्पोर्ट्स रूम खोला होता है। स्पोर्ट्स रूम में अपनी स्टूडेंट आईडी दो और बैडमिंटन बास्केटबॉल जो भी होता है अपनी इशू करवा लो, और फिर जब अपना खेल खाल के फ्री हो जाओ तो अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह दो, मतलब वापस लो, और इनके इक्विपमेंट्स वापस कर दो। तो ये था अंडरग्राउंड जिमनेजियम। अब आ गए हैं भाई फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर तो क्या ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे मेरी क्लासेस लगती हैं, और यह मेरा क्लासरूम जो कि सुबह 8:30 बजे मेरी क्लास लगती है इसमें। ये अभी मैं दिखाता है, लेकिन अभी इसमें क्लास चल रही है, तो अभी कोई और रूम दिखा देता हूँ कि जिसमें क्लासेस वगैरह मतलब कैसी क्या है, आइडिया मिल जाएगा आपको। अभी तो इसमें क्लासेस चल रही है तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन दूसरे रूम में ही मेरी क्लास रखती है, उसमें देखते हैं, अगर रूम खाली हुआ तो मैं दिखाता हूँ यहाँ के क्लासरूम्स वगैरह कैसे हैं। यहाँ पे भी क्लास अभी चल रही है, ऑन गोइंग है। तो भाई ये यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ किन्सियोलॉजी, जिसमें जो कोर्स मेरा है मैं इसी कोर्स में एनरोल्ड हूँ। तो ये बेसिकली एनाटॉमी और ये जो फिजिकल मूवमेंट्स और ये मतलब जितनी भी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी अचीवमेंट्स वगैरह और कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा रखी हैं। तो भी अभी आ गए हैं जी बिल्डिंग के बाहर, कॉलेज के फ्रंट में, और फ्रंट से दिखाता हूँ कि कॉलेज कैसा है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स अभी रहती हैं। बेसिकली अभी तो ये हेलोवीन शुरू होने वाला, तो यहाँ पर ना ये इन्होंने लाल लाल कुर्तियाँ से भी टांग दिया है, मतलब अभी हेलोवीन वाला फेस्टिवल अभी यहाँ पे शुरू होने वाला, तो उसकी तैयारी पूरी चल रही है। तो भाई ये है कॉलेज का मेन फ्रंट, जहाँ पे
यहाँ खेलते हैं, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, मतलब जो मर्जी खेलो, ये पब्लिक अपना ग्राउंड है, आराम से बैठो, धूप वगैरह सेको, जो मर्जी करो, कोई कुछ नहीं कहता। और यहीं भी सारे इवेंट्स वगैरह जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं यहीं पर ओरिएंटेशन होती है, यहाँ पर इन्होंने डीजे वगैरह लगाया हुआ होता। और ये थी जी बिल्डिंग जो कि आपको दिखा दी, ये थी सी बिल्डिंग, ये इसमें भाई स्पेशली एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके बाद ही इसमें एक्सेस मिलता है, तो ये आज भी बंद है। वहाँ ए बिल्डिंग सारी दिखा दी, और यहाँ पे मतलब जो उनसे बच्चे ऐसे साइकिल वगैरह पे आते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह जितने भी उससे ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे कॉलेजेस में आओ, और यहाँ पे इन्होंने स्टैंड बना रखे होते हैं, यहाँ पे अपना बाइक या साइकिल जो भी अपना पार्क करो, लॉक वगैरह लगा के चले जाओ। भाई जो सी ये बिल्डिंग है ना, ये जो से मेन कवर पेज पे भी आपको दिखेगी अगर ऑनलाइन डालोगे तो लंगारा, तो ये है हमारी लाइब्रेरी, यहाँ पे फाउंटेन, ये जो अब सर्दियों में खाली कर दें क्योंकि भाई अपना वो है पानी वगैरह जम जाता है और कुछ काई वगैरह जम जाती है ना, तो अब ये खाली कर देते हैं सर्दियाँ आने से कुछ टाइम पहले, ताकि अच्छे से सूख जाए ना, तो गर्मियों में तो आन बढ़िया पानी वगैरह से, यहाँ पे तो बतके वगैरह घूमती रहती हैं। ये भाई स्टारबक्स का बोर्ड जो कि अंदर लाइब्रेरी में ही है। बाकी भाई ये जो ये बिल्डिंग है ना, ये है टी बिल्डिंग, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये नई बिल्डिंग बनी है, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई एक या दो साल पहले ही बनी है, लेकिन पूरे कॉलेज के एज अ मतलब कंपेयर में ये नई बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, मतलब यहाँ पे ना बटन दबा दो और इतने बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे अगर हाथ में कुछ है तो, ये डिसेबल पर्सन के लिए। तो भाई ये है टी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में भाई यहाँ बैठ के अपना लैपटॉप वगैरह ऑन कर लो, कुछ भी काम कर लो। वहाँ दिखा के आता हूँ, ये है अपना रजिस्ट्रार ऑफिस, यहाँ पे मतलब बेसिकली जो भी एनरोलमेंट वगैरह के जितने भी काम होते हैं, या कोई कोर्स वगैरह चेंज कराना हो, फीस से रिलेटेड कुछ भी हो, अपना सिन नंबर फॉर्म कुछ भी देना हो, तो वो आते हैं यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस पर कॉन्टेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ से ऊपर मतलब ये जितनी भी अपस्टेयर्स जा रही है ना, ऊपर भाई किसी ना किसी फ्लोर पे अलग अलग कैटेगरीज की लैब हैं, जैसे सेकंड या थर्ड पे होगी बायो की, उससे ऊपर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की लैब है फिफ्थ फ्लोर पे। तो भी आ गया अभी टी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे, मतलब हर एक फ्लोर एक जैसा सही है, सिमिलर सा। तो जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मतलब जैसे स्टेयर्स हम ऊपर वगैरह चढ़ते हैं, यहाँ सिटिंग एरिया, अपना काम वगैरह करो, और यहाँ पे होती हैं लैब्स, मतलब इस फ्लोर पे तो ये नर्सिंग और फिज़िक्स का, आई थिंक हाँ नर्सिंग और फिज़िक्स का ही लैब है, मतलब उन्हीं का ही फ्लोर है स्पेशली। यहाँ अपना भूख वगैरह लगे तो यहाँ अपना कार्ड वगैरह टैप करो, खाने के लिए निकाल लो, लेकिन ये कॉलेज में भाई बहुत महंगी मिलती है, बाहर बहुत सस्ती होती है। तो यहाँ पे अब लैब्स दिखाता हूँ, लैब्स कैसी सी होती हैं, तो सारी बंद है। तो यहाँ पे अंदर ये सारे कंप्यूटर वगैरह, सारी मशीन्स, मतलब ये हैं जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो तो यहाँ पे सारे हैं, बिल्कुल सारे के सारे, मतलब जो भी हम वहाँ पे इंडिया में मतलब जो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते थे ना, अगर कुछ नहीं होता था तो भाई ऐसे जुगाड़ वगैरह करके मतलब कुछ भी लेके समझ लेते थे ऐसी थ्योरेटिकली या वैसी, तो भाई यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मतलब पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाता है। जैसे ये नर्सिंग का सिमुलेशन सेंटर, ये इन्होंने अलग से बना रखा, तो भाई अंदर ये सारे जितने भी है ना, तो भाई ये डमीज हैं, अरे बाबा, ये सारा का सारा मतलब रियल हॉस्पिटल जैसा वो इन्होंने बना रखा, तो पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता भाई यहाँ पे, ये नहीं है कि कुछ भी लैब बना दी करा दी और छुट्टी ना जी। पहले वाले सारे फ्लोर तो ऐसे ही थे टी बिल्डिंग में, कि हमारे यहाँ पे सबवे है खाने पीने के लिए बना रखा, जो कि आज क्लोज्ड है, और ये वही कैफेटेरिया है खाने पीने के लिए यहाँ पे, तो ये तो अपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा। अब वो है सामने एक एल बिल्डिंग बची है लाइब्रेरी की, वो और दिखाता हूँ जाके, और यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी सी दिखा रखी है इन्होंने। तो भाई अब हम आ गए टी से एल बिल्डिंग में, एल बिल्डिंग
एल बिल्डिंग में। अब ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे स्टारबक्स वगैरह, मतलब ये कॉफ़ी वगैरह पीनी हो काम करते करते, तो यहाँ पे स्टारबक्स है कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। यहाँ पे वॉशरूम आ गए, और ये है एल बिल्डिंग, मतलब लाइब्रेरी की स्टार्टिंग है। यहाँ पे वही अपना टेबल वगैरह दे रखे हैं, खाओ पियो काम वगैरह करना, काम वगैरह करो। और अंदर यहाँ से लेफ्ट साइड से हो जाएगी लाइब्रेरी की एंट्रेंस, और यहाँ पे साथ में दे रखी हैं कंप्यूटर लैब्स, मतलब टी बिल्डिंग्स वगैरह में लगती है कंप्यूटर की, जितने बी कैप वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनकी लैब लगती है यहाँ पे। अंदर इन्होंने कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ लगाए हुए हैं, और यहाँ पे ये अपनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यहाँ से शुरू है, और ये भाई थर्ड फ्लोर तक खाली है पूरे, अपना टेबल चेयर और कंप्यूटर्स हैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, जिनको अपना पढ़ना। यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह डाल लो और अपना लॉगिन करो और काम चलाओ। वहाँ किसी ने अपना बैठ के काम करना तो बैठ के काम कर लो। ये अंदर में ऐसे कंप्यूटर सारे लगाए हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकालने हैं, तो यहाँ पे प्रिंट आउट्स वगैरह निकालो अपनी स्टूडेंट आईडी से। मतलब यहाँ पे ना एज़ कम्पेयर टू बाहर बहुत सस्ते पड़ते हैं, 10 सेंट्स का एक पेपर प्रिंट होता है ऐसा कुछ। तो बस ये अपनी लाइब्रेरी है, यहाँ बैठो, वो ऊपर चढ़ते जाओगे पर टेबल कुर्सियाँ लगती जाएंगी और साथ में बुक शेल्फ आते जाएंगे। ये यहाँ स्टाफ है, कोई ज़रूरत वगैरह चाहिए हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो इनसे पूछ लो। एक भाई जो लंगारा आ रहा हो ना, या मतलब अभी आने वाला हो थोड़े टाइम में, तो उसके लिए मैं बता दूं भाई, एक जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता ना अपना, तो वो यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी वगैरह बनानी होती है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं। और एक है वो बार कोड से जनरेट होकर आता है, जो कि इस मशीन में स्कैन करना होता है, और इस मशीन से यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड प्रिंट आउट होकर निकल जाता। तो भी ऐसा कुछ कैंपस अपने कॉलेज का, ये फ्रंट व्यू। तो भाई और कुछ वगैरह पूछना हो, मतलब कोई और चीज़ वगैरह ऐसे कोई डाउट हो, मतलब कुछ भी हो ना भाई, कमेंट डाउन कर दिया करो, उस पर वीडियो ज़रूर आएगी। हाँ कुछ टाइम में है लेकिन भाई आएगी ज़रूर। तो ये कॉलेज है, ये ऐसा मतलब इतना बड़ा कैंपस है, इतना मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी देखे ना, मतलब जैसे एक है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया, भाई वो तो पूरा का पूरा शहर है अपने आप में, मतलब ये तो फिर। पर कॉलेज के हिसाब से ये कॉलेज बेस्ट है यहाँ पे, इसका बहुत मतलब टॉप के कॉलेजेस में नेम है, और इसकी जितने भी क्रेडिट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। और जो मेरा कोर्स है, तो भाई मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पे लेके आया था कोर्स एसोसिएट ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंस, बट मैंने यहाँ पे आके चेंज कर लिया था, क्योंकि मेरे को प्री रिक्वायसाइट्स के वगैरह में या इसकी वेबसाइट चलाने में नहीं पता था। अगर किसी को वेबसाइट चलाने में, अगर वेबसाइट वगैरह पूछना है कि भाई कैसे क्या क्रेडिट्स वगैरह चेक करते हैं और कैसे क्या सारा सिस्टम वर्क करता है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन वही है, हेल्थ साइंस फिर मेरे को पसंद नहीं है, तो मैंने कोर्स चेंज करा लिया था रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें ईजिली अपना कोर्स वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो बाकी तो यही है। और हाँ, बाकी मैं अगर फ़ीस वगैरह का अगर आपको बताऊँ, तो फ़ीस जो है ना, मतलब कई बच्चों को डाउट होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, कि भाई मैं इंडिया से भर के आता $12,000, तो उसमें हमें लगता है कि ये हमने एक साल की फ़ीस भरी है, पर भाई ऐसा नहीं होता। वो होता है सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर फ़ीस लगती है, वो आपके ऊपर है कि आप एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हो, कितने आप कर रहे हो और क्या कुछ है, कितने क्रेडिट्स के हैं। बेसिकली जो 3 क्रेडिट्स के एक कोर्स होता है वो होता है $2,000 का। तो अगर आप एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, 3 क्रेडिट्स के, जो कि 9 क्रेडिट रखना ज़रूरी होता है फुल टाइम स्टूडेंट होने के लिए, तो उसमें लगता है $6,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है। और बाकी $12,000 जो हैं वो ऑलमोस्ट मतलब 2 सेमेस्टर में लग जाते हैं। और बाकी लैब वगैरह जो कोर्सेज हैं उनके जो 4 क्रेडिट के होते हैं वो होते हैं भाई 2,500 के, उसमें 500 और ऐड कर लेना। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और ये था सारा का सारा कैंपस टूर। और कुछ अगर आपकी डिमांड हो या कुछ भी मतलब जानना हो, तो भाई कमेंट डाउन कर दिया करो, तुम्हारा भाई लेके आएगा, तुम्हारा भाई सारा कुछ दिखाएगा, जो कि कनाडा में मतलब जैसे जैसे जो भी सारा सिस्टम काम करता। तो टिल देन के लिए टेक केयर भाई, बाय बाय।